लद्दाख में एलएसी पर हिंसक झड़प को लेकर चीन से तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया एकेडमी फॉर कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के लिए हैदराबाद पहुंचे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने पासिंग आउट परेड के दौरान वायुसेना के जवानों को संबोधित किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। हमारे क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य ये बताता है कि हमारे सशस्त्र बल हर समय तैयार और सतर्क रहते हैं। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर छोटी सी सूचना पर हम हालात को संभालने के लिए तैयार हैं। जवानों को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल ने कहा कि ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हम किसी भी आकस्मिकता का जवाब देने के लिए अच्छी तरह से तैयार और उपयुक्त रूप से तैनात हैं। हम देश को विश्वास दिलाता हूँ मैं कि हम इस स्थिति से निपटने के लिए दृढ़ हैं और गलवान घाटी के बहादुरों के बलिदान को भी कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मीडिया ब्रीफिंग में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमारा चीन से युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन हम तैयार हैं। बातचीत चल रही है और हम तैयार हैं। चीन ने तैनाती बढ़ा दी है और हम उन पर नज़र रखे हुए हैं। ज़रूरत पड़ी तो उड़ान भरेंगे। सेना मामलों को बखूबी संभाल रही है और हम तैनाती को देखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। हमें कोई संदेह नहीं है कि हम किसी भी आकस्मिकता को संभाल लेंगे। हमें स्थिति के बारे में पता है और हमने आज आवश्यक कार्रवाई की है। लेह में वायुसेना तैनात है। हैदराबाद में वायुसेना के पासिंग आउट परेड में चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। फिलहाल इस पासिंग आउट परेड के साथ ही भारतीय एयरफोर्स को 123 जांबाज मिले हैं, जिनमें 19 महिला अफसर शामिल हैं। इस दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। पासिंग आउट परेड को विभिन्न IAF शाखाओं के फ्लाइट कैडेट्स के प्री कमीशनिंग प्रशिक्षण के सफल समापन का प्रतीक माना जाता है।